डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम ग्रैनी है और आज मेरा बर्थडे है। मेरे बर्थडे के दिन पापा मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे और मान्या और आलिया भी बहुत अच्छा डेकोरेशन करेंगी। चलो देखते हैं वीडियो में क्या होता है। बर्थडे में होता क्या है भाई साहब? बर्थडे में बहुत मज़ा आता है। हेयर आर सम थिंग्स यू नीड फॉर अ बर्थडे पार्टी। ये चाहिए किसकी बनी है? पेपर की। ये चाहिए केक, किसका बना है? फ्लोर का। ये चाहिए बलून, बिल्कुल चाहिए रबर का। ये चाहिए ड्रिंक, बिल्कुल चाहिए फ्रूट की। अब आप पेपर प्लेट से लेकर के प्यारा सा पांडा बनाओ और कमेंट सेक्शन में बताना किस किसने पांडा बनाया है, ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। दो प्यारी सी बच्चियां होती हैं जिनका नाम होता है आलिया और मान्या। वो आज बहुत खुश हैं। इट इज़ ग्रैनीज बर्थडे, क्योंकि आज ग्रैनी का जन्मदिन है। दे डेकोरेट द रूम विथ कलरफुल बलून्स। वो पूरा रूम सजा देती हैं रंग बिरंगे गुब्बारों से। बर्थडे पार्टी बिना गुब्बारों के तो यार मज़ा सा नहीं आता ना, तो बर्थडे पार्टी में गुब्बारे तो ज़रूरी हैं। द रूम लुक्स वेरी प्रिटी। रूम बहुत सुंदर लग रहा है गुब्बारों के साथ। पापा हैज़ जस्ट कम फ्रॉम ऑफिस। अब पापा जो हैं वो ऑफिस से आ गए हैं। ही हैज़ अ बॉक्स इन हिज हैंड। वो हाथ में एक डिब्बा लाए हैं, देखते हैं डिब्बे में क्या है। ग्रैनीज बर्थडे गिफ्ट इज़ अ टैबलेट। वो ग्रैनी का बर्थडे गिफ्ट जो है वो है एक टैबलेट। टैबलेट देखा ना आपने, मोबाइल से बड़ा होता है, ठीक है? उसमें गेम खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, बड़ा बड़ा आता है। तो उसमें मान्या बोलती है, प्लीज़ शो इट टू अस पापा। पापा हमें ज़रा टैबलेट तो दिखाओ। पापा ओपन्स द बॉक्स एंड टेक्स आउट द टैबलेट। इट इज़ ब्लैक एंड स्लिम। पापा ने गत्ते का डिब्बा खोला, उसमें से टैबलेट निकाला। ये तो ब्लैक कलर का है और बहुत पतला है, मतलब कि भारी नहीं है, पतला स्लीक है। आलिया बोलती है, इट इज़ एज बिग एज माई स्टोरी बुक। ये तो मेरी स्टोरी बुक जितना बड़ा है। याद रखना कौन सा डायलॉग कौन बोल रहा है। एंड वी कैन डू मैनी थिंग्स विद इट, सेज मान्या। और मान्या बोलती है, हाँ और हम इससे कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि बोथ द गर्ल्स आर ट्राइंग टू से दैट इट इज़ अ यूजफुल थिंग। पापा प्लीज़ टेल देम दैट ग्रैनी कैन टेक इट। पापा टेल्स देम दैट ग्रैनी कैन टेक इट टू हर ऑफिस। पापा कहते हैं हाँ और ग्रैनी इसको ऑफिस भी ले जा सकती है। अब देखो मम्मा लग रही है ना बच्चों की, एक रैनी। शी कैन यूज़ इट टू मेक नोट्स। पापा कहते हैं वो इसमें नोट्स बना सकती है। नोट्स बना सकती है माने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकती है, नोट डाउन कर सकती है। पापा पुट द टैबलेट बैक इन द बॉक्स एंड टाइज अ रिबन अराउंड इट। अब गिफ्ट की रैपिंग तो ज़रूरी होती है, तो पापा टैबलेट को वापस डिब्बे में डाल देते हैं और उसके चारों तरफ एक रिबन बांध देते हैं, जैसे कि हम बर्थडे गिफ्ट में बांधते हैं। इतने में ही डोर बेल बजती है। टिंग टिंग, ग्रैनी इज होम। आलिया ओपन्स द डोर फॉर ग्रैनी। मान्या रन्स अप एंड हग्स हर। ग्रैनी आ गई हैं घर में। आलिया दरवाज़ा खोलती है ग्रैनी के लिए और मान्या उनके पास भाग के जाती है और उनको हग कर लेती है। हग करना होता है गले से लगा लेना। हैप्पी बर्थडे सेज पापा मान्या एंड आलिया। पापा मान्या और आलिया ग्रीट करते हैं और बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। हेज योर गिफ्ट, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू सो मच सेज ग्रैनी एंड हग्स देम। सबको एक साथ गले लगा देती हैं ग्रैनी और बोलती हैं थैंक यू सो मच। फिर गिफ्ट देते हैं भाई, खोलते हैं। ग्रैनी लव्स द गिफ्ट। ग्रैनी को गिफ्ट बहुत पसंद आया एंड शी सेज आई कैन यूज़ इट इन द ऑफिस। मैं इसे ऑफिस ले जाकर इसे यूज़ भी कर सकती हूँ। जैसे लैपटॉप बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही मोबाइल और टैब भी ज़रूरी होता है ना। वी कैन ऑल्सो वॉच वीडियोज एट होम शी सेज। और घर पर हम इसमें वीडियो भी देख सकते हैं। वी कैन लिसन टू म्यूज़िक सेज पापा। पापा कहते हैं हाँ और हम गाने भी सुन सकते हैं। आलिया आज ग्रानी आलिया ग्रानी से पूछती है, कैन वी वॉच मूवीज़ ऑन संडे प्लीज़। ग्रानी ग्रानी क्या हम संडे को इसमें मूवी देख सकते हैं? इतने मान्या को भी याद आता है, वो बोलती है मे आई यूज़ इट फॉर माई EVS प्रोजेक्ट। क्या अपना EVS प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ? ग्रानी स्माइल्स, ग्रानी मुस्कुराती हैं।
ऑफ कोर्स इट इज़ अवर टैबलेट। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये हम सब का टैबलेट है। वी विल शेयर, हम सब शेयर मिल बांट के चीज़ यूज़ करेंगे। लेट अस कट द केक नाउ सेज पापा। पापा बोलते हैं हाँ चलो और अब केक काटते हैं। तो मिलजुल के कोई भी घर में चीज़ आती है तो उसे शेयर करना चाहिए, और दूसरे को खुश करने के लिए आपको पूरे कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था चैप्टर। अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलना है तो जल्दी मिलना, क्योंकि सॉल्व होने वाली हैं इसकी बुक एक्सरसाइजेज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।